Okay guys, इधर देखो, टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं. दिस इज अ टिपिकल प्रॉब्लम. कैसी प्रॉब्लम? ऐसी है, ये पहिया है, पहिए का दे दिया एम आर के. लेके करूं या कंफर्टेबल नहीं हो मैं किसी सॉलिड स्फीयर लेके कर दूं, तुम बताओ. के लेके कर दें, एम के आर दिया हुआ है, ठीक है. सो ये एक पहिया है, इसको इनिशियली वेलोसिटी दे दी. कैसे दे दी? इधर दे दिया वी नॉट और इधर दे दिया ओमेगा नॉट. रेडियस है आर और ग्राउंड है हमारा रफ. ग्राउंड है हमारा रफ. वी नॉट दे दिया, ओमेगा नॉट दे दिया, ग्राउंड रफ है. अब क्या मैं कह सकता हूं कि तीन केस बन सकते हैं? भाई तुम समझे नहीं, तीन केस कैसे बन सकते हैं? मान लो वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकंड और रेडियस था 2 मीटर और एंगुलर वेलोसिटी दे दी से 6 रेडियन पर सेकंड, तो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इधर 10 और इधर 6 टू जा 12, तो वेलोसिटी इस पॉइंट की हो गई इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड. एक केस ये बन जाएगा. फिर उसने कहा नहीं, मैंने एंगुलर वेलोसिटी 6 की जगह दे दी 4, तो इधर हो जाएगा आर ओमेगा 8, तो इसकी वेलोसिटी एक्चुअली आगे की तरफ हो जाएगी 2, हाँ या ना. और तीसरा केस क्या दे दिया कि ओमेगा दे दिया 5, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी 0, हाँ या ना. तीन केस बन रहे हैं. तीन केस क्या बन रहे हैं? फॉरवर्ड स्लिपिंग वाला, बैकवर्ड स्लिपिंग वाला, या इनिशियली वेलोसिटी ऐसी दे दी वी नॉट और ओमेगा नॉट, ऐसा दे दिया कि स्टार्टिंग से ही रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, हाँ या ना. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि केस वन तो ये बनेगा, केस वन तो मैंने मान लिया वी नॉट इज ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट. वी नॉट इज ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट. अगर v नॉट ग्रेटर देन r ओमेगा नॉट है तो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर तो v नॉट थी और इधर की तरफ r ओमेगा नॉट थी. अब v नॉट ग्रेटर देन r ओमेगा नॉट है तो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी किधर की तरफ है? आगे की तरफ है. इस पॉइंट p की वेलोसिटी आगे की तरफ है. कितनी है? vp इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू v नॉट माइनस r ओमेगा नॉट. अब इस केस में समझने का प्रयास करो कि भाई इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे है, जमीन वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है. अब अगर जमीन वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी आगे है तो ये आगे की तरफ वेलोसिटी से जाएगा तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा या स्टैटिक? काइनेटिक लगेगा. और काइनेटिक फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा. तो क्या मैं कह सकता हूं इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे है तो इधर लगेगा म्यू के नॉर्मल. क्या लगेगा? म्यू के नॉर्मल, हाँ या ना. नॉर्मल इज इक्वल टू mg, नॉर्मल इज इक्वल टू mg. अब ये बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी एफबीडी देख के? mg है, नॉर्मल है, पीछे म्यू के नॉर्मल है. दो इक्वेशन होती है, एक ट्रांसलेशनल मोशन की, एक रोटेशनल मोशन की. ट्रांसलेशनल मोशन की में कहते हो क्या बोलते हैं, एफ नेट इज MACM, और रोटेशनल मोशन की कहते हो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ICM अल्फा. तो इसमें एफ नेट इज MACM के बेसिस पे मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा. किधर की तरफ होगा? जिधर फ्रिक्शन लग रहा है उधर की तरफ होगा. तो क्या मैं कह सकता हूं
क्या मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ होगा? डज दैट मेक सेंस? और एंगुलर एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? टॉर्क देखोगे सेंटर ऑफ मास पे, टॉर्क देखोगे सेंटर ऑफ मास पे ऑब्वियसली, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखा जाए तो इस फ्रिक्शन के कारण है वो ऐसे है, ऐसे है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे होगा, हाँ या ना? वैल्यूज निकालनी चाहे तो हम कहेंगे म्यू के एन, म्यू के एन इज एम ए सी एम, नॉर्मल वॉज एम जी, तो हम कहेंगे म्यू के एम जी इज एम ए सी एम, कैन आई से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज म्यू के जी, हाँ या ना? एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? टॉर्क निकालो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर मैं टॉर्क निकालू सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो कितनी आ रही है? म्यू के एन आर, म्यू के एन आर किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज इज आईसीएम अल्फा, अल्फा भी इसका मतलब क्लॉकवाइज ही है, तो हम कहेंगे अल्फा कितना आ गया? म्यू के एम जी आर अपॉन, तुमने ही कहा था जनरल केस लेके चलना, मैंने एम के स्क्वायर ले लिया, हाँ म्यू के नॉर्मल को लिख दिया एम जी, तो म्यू के एम जी आर अपॉन एम के स्क्वायर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई। ओके, ये कौन सा केस था? जब वी नॉट वॉज ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट, तो इसका मतलब वी नॉट अगर ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट था तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी आगे थी, फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पीछे होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे होगी। अब उसको सोच के मैंने बोला कि जो ये लीनियर एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास की, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से उल्टी है, तो वी नॉट टाइम के साथ डिक्रीज करेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के सपोर्ट में है, तो टाइम के साथ एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो हमारा जो ये v नॉट ग्रेटर देन r ओमेगा नॉट था उसमें ओमेगा नॉट बढ़ रहा है और v नॉट हमारा टाइम के साथ घट रहा है, तो क्या होने वाला है? एक पॉइंट ऐसा आ जाने वाला है जहां पर v नॉट इक्वल टू v नॉट नहीं v इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा, हाँ या ना? तो हम कहेंगे कुछ आगे जाके, कुछ आगे जाके टाइम t आगे जाके, कहां जाके? टाइम t आगे जाके इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई v और एंगुलर वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में कम होते होते कितनी हो गई? ओमेगा। और मैंने अज्यूम कर लिया अब यहां पे क्या हो गया, नो स्लिप कंडीशन चालू हो गई, तो ये हो गया v इक्वल टू v माइनस r ओमेगा इज जीरो, v माइनस r ओमेगा इज जीरो, ये कर दिया हमने। डज दैट मेक सेंस, हाँ या ना? ओके, अब वो क्या क्या पूछ सकता है? वो ये कह सकता है कि बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जब ये रोलिंग विदाउट, फाइनल मत बोलो, ये बोलो जहां पर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट होएगा, जहां पर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट होएगा वहां पर बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी और टाइम कितना लगेगा, तीनों चीज पूछ सकता है ये, हाँ या ना? तो अब जरा ध्यान से सोचो, क्या मैं ट्रांसलेशनल मोशन पे थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता हूं यहां से लेके यहां तक? इसको मैंने बोला था टी जीरो, टाइम टी तक लगा सकता हूं ना, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एटलीस्ट यहां से यहां तक तो कांस्टेंट है, तो कैन आई सिंपली से ये तीन चीजें पूछेगा, वी ओमेगा और टी, वी ओमेगा और टी, तो क्या मैं कह सकता हूं ये डायरेक्शन ले लूं पॉजिटिव और ये डायरेक्शन ले लूं नेगेटिव, तो क्या मैं कह सकता हूं v इज इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू के जी टी, ये लीनियर, ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हो गया, लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन हो गई, हाँ या ना? क्या v इज इक्वल टू u प्लस at? अब एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, एंगुलर मोशन के लिए ये डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव और ये डायरेक्शन ले लो नेगेटिव, तो ओमेगा वुड बी इक्वल टू, ओमेगा मैंने इसी डायरेक्शन में लिया है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी बन जाएगा, हाँ या ना? तो ये बन जाएगा ओमेगा नॉट प्लस म्यू के एम जी आर अपॉन एम के स्क्वायर टी, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, अननोन कितने थे? तीन, वी ओमेगा और
टी। तो तीसरी इक्वेशन ऑब्वियसली कहां से है? नो स्लिप कंडीशन, क्योंकि वहां पे स्टार्ट हो गया नो स्लिप कंडीशन वाली कहानी। तो तुम वी भी निकाल लोगे, ओमेगा भी निकाल लोगे और टी भी निकाल लोगे। वी भी निकाल लोगे, ओमेगा भी निकाल लोगे और टी भी निकाल लोगे, हां या ना? मतलब निकालना है निकाल लेते हैं। v को लिख दो v नॉट माइनस म्यू के जी टी, v इज इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू के जी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस प्लस म्यू जी आर अपॉन एम के स्क्वायर टी इंटू आर। क्या चीज इक्वेट करिए? v इक्वल टू आर ओमेगा, ये v लिखा है, ये आर ओमेगा लिख दिया, हाँ या ना? सो क्या मैं कह सकता हूं टी आ जाएगा वी नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट, वी नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट अपॉन अपॉन म्यू जी प्लस म्यू जी, हाँ एम कट गया सॉरी, अच्छा काट दिया मैंने, म्यू जी आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, सही है। टाइम क्या आ गया? टाइम आ गया वी नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट अपॉन म्यू के जी वन प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ये टाइम आ गया। इस टाइम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस टाइम के बारे में मैं ये कह सकता हूं, अगर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा है तो ये टाइम जल्दी आएगा, दिखाई भी दे रहा है और शायद फील भी आनी चाहिए तुम्हें कि ये स्लिप करता हुआ जा रहा था पहले, मतलब पहिया था, पहिए को मैंने क्या कह दिया, चला तेज दिया घुमाया धीरे, ऐसा हो सकता है ना, चलाया तेज घुमाया धीरे, तो थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा, स्लिपिंग बंद कर देगा अपने आप ही। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहेगा भाई, जो चीज बड़ी है वो कम हो जाए, v नॉट बड़ा था तो वो कम हो जाए, r ओमेगा नॉट छोटा था तो वो बढ़ जाए, तो थोड़ी देर बाद रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाली कंडीशन अटेन कर जाएगा, और जब वो कर जाएगा वो टाइम जो आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर बड़ा होगा तो वो टाइम जल्दी आ जाएगा, और अगर वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन छोटा होगा तो वो टाइम लेट आएगा। So, हम ये कह देंगे v इज इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू के जी टी, ये होएगा ना, हाँ हाँ यही तो था, t की वैल्यू डाल दो तो ये आ जाएगा v नॉट माइनस म्यू के जी टी, दैट विल बी v नॉट माइनस r ओमेगा नॉट अपॉन वन प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर, r स्क्वायर बाय के स्क्वायर। इंसिडेंटली एक और फंडा समझ में आया, जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा, देखो ये तो समझ में आ गया कि जो टाइम था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन बड़ा तो टाइम छोटा, फ्रिक्शन छोटा तो टाइम बड़ा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी दोनों ही केस में मान लो फ्रिक्शन अलग अलग कर देते तो भी फाइनल वेलोसिटी सेम ही आती, बाद में आती लेकिन सेम वैल्यू आती, हाँ या ना, बिकॉज इट्स एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ या ना? यहां तक का समझ में आ गया पक्का? अब कहानी बनती है कि इसके बाद क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय इसके बाद, व्हाट आई मीन इज ये बॉडी थी, इसका वी नॉट था, इसका ओमेगा नॉट था, टाइम टी जीरो पे, और हमारे पास कैसा कंडीशन दी हुई थी, इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ थी, तो इधर लग रहा था एसीएम, इधर लग रहा था अल्फा, क्योंकि इधर लग रहा था काइनेटिक फ्रिक्शन, कुछ देर बाद ये टाइम था टी जीरो, कुछ देर बाद ऐसा हो गया था कि इधर हो गया था वी, इधर हो गया था ओमेगा, और वी इक्वल टू आर ओमेगा हो गया था, वी इक्वल टू आर ओमेगा हो गया था, हाँ या ना? इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी है जीरो, हाँ या ना?
ये v भी निकाल लिया, ओमेगा भी निकाल लिया और t भी निकाल लिया। अब स्टोरी ये बन रही है कि इसके बाद क्या होगा बेटा, क्या होगा इसके बाद? स्लिपिंग तो नहीं हो रही, स्लिपिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन मानना चाहिए हमें? स्टैटिक। स्टैटिक की डायरेक्शन कोई भी मान सकते हो क्योंकि उस पॉइंट की वेलोसिटी तो है नहीं, हाँ या ना? स्टैटिक की डायरेक्शन तो कुछ भी मान सकते हो। मान लो मैंने इस इंस्टेंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन मान ली पीछे ही, मान सकता हूं। अब कहानी बनती है कि अब स्टैटिक फ्रिक्शन अगर ऐसे माना है तो इसका मतलब तुमने mg ऐसे माना है, ऑब्वियसली mg तो ऐसे ही होगा, नॉर्मल ऐसे ही होगा। तुमने स्टैटिक फ्रिक्शन इधर माना है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे मानी है? इधर की तरफ। और एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे मानी है? ऐसे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? fs / m। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? fsr / icm। अब ये बताओ इस सिचुएशन में नो स्लिप कंडीशन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? इस सिचुएशन में स्लिपिंग हो रही है नहीं हो रही ना? नहीं हो रही तो नो स्लिप कंडीशन लगनी चाहिए ना, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाली कंडीशन लगनी चाहिए। तो यहां पर नो स्लिप कंडीशन बनाने का प्रयास करो, एसीएम इधर आएगा और अल्फा ऐसे आया है तो सेम डायरेक्शन में आर अल्फा आएगा, नीचे वाले पॉइंट का जीरो होगा। तो यहां पर नो स्लिप कंडीशन क्या कहेगा? ए प्लस आर एल्फा शुड बी जीरो। जैसे तुमने ए प्लस आर एल्फा को जीरो बोला, ए को लिख दिया एफ एस बाई एम प्लस आर एल्फा को लिख दिया एफ एस आर अपॉन आई सी एम शुड बी जीरो। फिर मैंने इसमें से एफ एस को ले लिया कॉमन, तो मैंने लिख दिया एफ एस 1/m प्लस आर स्क्वेयर बाय आई सी एम शुड बी जीरो। यार ये क्वांटिटी तो जीरो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि समथिंग प्लस समथिंग आ रहा है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए समथिंग इनटू समथिंग इज जीरो एंड दैट समथिंग इज नॉन जीरो, दैट एक्चुअली इंप्लाइज स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी जीरो। डू रियलाइज बहुत पावरफुल बात बोल दिए यार, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा, इसका मतलब तो एफ एस नहीं लग रहा, तो नॉट ओनली दिस विल बी जीरो, एसीएम विल बी जीरो। इफ एसीएम इज जीरो एंड दिस एफ एस इज जीरो तो अल्फा इज ऑल्सो जीरो। दैट मीन्स once rolling without slipping starts it will not accelerate, it will continue to move with constant velocity vcm and it will continue to move with constant velocity angular velocity omega sada ke liye। tum samajh nahi rahe, ek pahiya hai rough ground pe hai, pehle slide maar raha tha, बाद में उसकी स्लाइडिंग बंद हो गई, तो वो पहिया कभी रुकता नहीं है, वो पहिया सदा के लिए चलता रहता है। बच्चे कहेंगे ऐसा रियल लाइफ में फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन था, लेकिन बाद में जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आ गई तो मैंने फ्रिक्शन माना स्टैटिक। और तुम कहोगे स्टैटिक आपने पीछे माना, क्या पता आगे होता? मैंने कहा वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम आगे भी मान लेते, अगर तुम इधर देख लो आगे भी मान लेते तो स्टैटिक ऐसे मानते, स्टैटिक ऐसे मानते तो एसीएम ऐसे मानते, एसीएम ऐसे मानते तो अल्फा ऐसे मानते, क्योंकि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास तो ऐसे लग रही है। अब तुम नो स्लिप कंडीशन लिख के देखना, यहां पर एसीएम भी इधर है आर अल्फा भी इधर है, तो एसीएम प्लस आर अल्फा इसमें भी क्या आना चाहिए? जीरो। एसीएम कितना हो जाएगा? एफ एस बाय एम प्लस आर अल्फा कितना हो जाएगा? एफ एस आर बाय आईसीएम, that thing should be zero, तो अगेन तुम्हारा something plus something into fs बन जाएगा, तो इससे इसका मतलब है fs should be zero। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अब कहानी ये बन, इसका मतलब इसमें भी fs ऐसे मानता तब भी fs zero ही है, इसका मतलब acm भी zero है, alpha भी zero, इसका मतलब v और omega constant हो गया, इसका मतलब एक बार पहिया slide मारता हुआ पहिया एक बार rolling without slipping चालू कर दे rough ground पे, तो रफ ग्राउंड पे भी उस पर फ्रिक्शन लगना हो जाता है बंद और वो सदा के लिए चलता रहता है। हाँ ये तुम कह सकते हो कि ये बहुत पावरफुल रिजल्ट है, ये बहुत पावरफुल रिजल्ट है,
और ये कह सकते हो कि रियल लाइफ में ऐसा हमने देखने में नहीं आता, एक्चुअली आता है, रियल लाइफ में ऐसा देखने में आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि कोई चीज आइडियल पहिया नहीं होती। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल पहिया? आइडियल पहिया है जो नीचे वाला पॉइंट है, कॉन्टेक्ट जहां पे हो रहा है जमीन के साथ, वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। असलियत में क्या होता है, नीचे से पहिया दब जाता है, नीचे से पहिया दब जाता है, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की जगह क्या हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है। और जब वो फ्लैट हो जाता है तो एक रीजन ऑफ कॉन्टेक्ट बन जाता है। तो आइडियल पहिया होता नहीं, लेकिन अगर वो आइडियल पहिया होता जो कि नीचे से डिफॉर्म नहीं हो रहा, नीचे वाला पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही है, तो एक ही पॉइंट है अगर, तो नॉर्मल यहीं से पास करेगी, एमजी भी यहीं पे लगेगा। बाकी मेरा ज्यादा बताने का मन नहीं है क्योंकि टेक्निकली सिलेबस के बाहर है कि रियल लाइफ में पहिया क्यों रुक जाता है, लेकिन हम तो आइडियल पहिया लेके चल रहे हैं जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। तो ये mg और नॉर्मल एक ही लाइन के अलोंग लाई कर रहे होंगे, और उस केस के अंदर ये अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चालू कर दे और कोई फोर्स ना लग रही हो, और कोई मतलब अलग से कोई f नहीं लगा दिया या यहां पे कोई f नहीं लगा दिया, वो नहीं लग रहा है, और ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चालू कर दे, तो स्टैटिक भी लगना बंद हो जाता है और ये सदा के लिए पहिया चलता रहता है। अगर तुम सोचो इसको, वी नीड आइडियल पहिया। कैब ड्राइवर्स क्या करते हैं? What do the cab drivers do? वो गाड़ी के अंदर टायर में हवा ज्यादा भर देते हैं, तुम्हारी गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? नीचे से पहिया डिफॉर्म होना कम हो जाएगा। They are trying to create an ideal पहिया। तुम्हारी गाड़ी में अगर किसी के गाड़ी में और घर पे लग रहा है कि यार फ्यूल एफिशिएंसी कम आ रही है, फ्यूल एफिशिएंसी कम आ रही है, तो कितना प्रेशर भरते हो गाड़ी के अंदर? 30 या 31, 30 भरते हो ना, फिल टिल 36, You will get greater fuel efficiency. उसका explosion point ना 45 के ऊपर होता है. It will never reach 45. तुम 36 भर दो, doesn't matter. Most of the SUVs के अंदर लोग already 34 भरवा रहे होते हैं, 34, 35. हाँ, 35 भर रहे होते हैं. तो it doesn't really matter कि उसका उस पर देखना maximum pressure I think 50 लिखा होता है शायद. 50 लिखा होता है. तो 50 मतलब तुम 40 भी भरवा दोगे ना तब भी 50 नहीं पहुंचेगा. गर्म होने के बाद भी 2-3 बढ़ता है. ये नहीं है कि गर्म होने के बाद 40 का 50 हो जाएगा, 40 का 41 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 30 भरवाओगे तो गर्म हो जाएगा तो 33 हो या 34 हो जाएगा। तो अगर तुम्हें गाड़ी में फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, तो व्हाट इज द सिंगल मोस्ट वे यू कैन इंक्रीज फ्यूल एफिशिएंसी इज फिल मोर एयर इन टायर्स। नहीं तो इट हैज टू बी अ सर्कुलर कॉइन भी। हाँ, कॉइन भी। तो इसका मतलब तुम ये देखो ना, कॉइन ज्यादा देर तक चलता है एज कंपेयर टू व्हील। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कॉइन भी डिफॉर्म करता है, वो भी रुक जाता है। अगर कॉइन को तुम स्लाइड मरवा के छोड़ दोगे तो थोड़ी देर तक वो स्लाइड करेगा, फिर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आएगी, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के बाद वो एक्चुअली रुक जाएगा। इसका मतलब कॉइन भी डिफॉर्म कर रहा है। सो एक और फंडा भी समझ में आया कि जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चालू हो गई तब VCM और ओमेगा कांस्टेंट हो गया, ACM और अल्फा जीरो हो गया, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो हो गया। हाँ या ना? इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हीट जनरेट हुई थी। हाँ हुई थी। कब तक हुई थी? जब तक रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ना चालू हुई, क्योंकि जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चालू हो गई तो हीट जनरेशन भी बंद हो जाएगी। तो अगर वो पूछे कि हीट कब तक जनरेट हुई, तो मैं ये कह सकता हूं स्टार्टिंग से रोलिंग विदाउट स्लिपिंग तक हीट जनरेट हुई, देन हीट जनरेशन वुड स्टॉप। अगर कोई पूछे कि भाई हीट निकालो कितनी जनरेट हुई, कैन आई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैन आई से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हीट। सो कैन आई से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हीट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द टोटल हीट जनरेटेड टिल इट स्लिप्स, टिल इट
slips, then the heat generated would be zero. अब मैंने सारी चीजों को इलस्ट्रेट कर दिया. Now I have illustrated all the things, so we can very fast handle the next two cases. Okay. So suppose करो ये था, इस केस में वी नॉट कम था और ओमेगा नॉट काफी ज्यादा था. कितना? कि वी नॉट वॉज लेस देन आर ओमेगा नॉट. वी नॉट वॉज ग्रेटर लेस देन आर ओमेगा नॉट. इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर तो वी नॉट थी, इधर आर ओमेगा नॉट थी, तो इसका मतलब इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ हो गई वी पी इस पॉइंट पी की. हाँ या ना? अगर ये वेलोसिटी पीछे हो गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू के नॉर्मल आगे की तरफ. एम जी और नॉर्मल बराबर थे तो म्यू के नॉर्मल आगे लग रहा है, तो इस पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगेगा म्यू के जी. एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास से देखा जाए तो, सो दैट विल बी म्यू के एम जी आर अपॉन एम के स्क्वेयर. क्या मैं कह सकता हूं कि म्यू के जी इधर है तो वी नॉट बढ़ेगा टाइम के साथ, और अल्फा ऐसे है और ओमेगा नॉट ऐसे था तो ओमेगा नॉट घटेगा टाइम के साथ. ये क्वांटिटी घटेगी, ये क्वांटिटी बढ़ेगी. देयर वुड कम अ टाइम जहां पर वी बढ़ के कुछ हो जाएगा, ओमेगा नॉट घट के कुछ हो जाएगा टाइम टी पे, सो दैट वी और आर ओमेगा बराबर हो जाएंगे. वी और आर ओमेगा बराबर हो जाएंगे. समझ में आ रहा है? दिस इज द कंडीशन व्हेन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वुड स्टार्ट. हाँ या ना? अब हमसे पूछा जाए तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस म्यू के जी टी. हम ये भी कह सकते हैं ओमेगा इज ओमेगा नॉट माइनस म्यू के एम जी आर अपॉन आईसीएमटी. सोच के, डायरेक्शंस का सोच के, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन v माइनस आर ओमेगा इज जीरो. हाँ या ना? v माइनस आर ओमेगा इज जीरो. और इससे क्या निकल जाएगा? v निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा और t निकल जाएगा. उसके बाद क्या लगना चाहिए? स्टैटिक. अगर मैं स्टैटिक मानता हूं भी हूं किधर की तरफ, ऐसे मान लिया, तो एसीएम इधर होगा और अल्फा इधर होगा, लेकिन अब नो स्लिप कंडीशन लगनी चाहिए क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण वो तो तभी होता है ना जब स्लाइडिंग नहीं कर रही है. तो हम ये कहेंगे ए, इस पॉइंट का ए ऐसे हो गया, आर अल्फा भी ऐसे हो गया, ए प्लस आर अल्फा जीरो होगा. उससे हमारा एफ बाय एम प्लस आर एफ एस आर बाय आई सी एम जीरो होना चाहिए. उससे हम कह देंगे एफ एस जीरो हो गया, तो इसका मतलब एसीएम भी जीरो हो गया, अल्फा भी जीरो हो गया. हाँ या ना? तो हम कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा सदा के लिए, टिल इनफिनिटी. हाँ या ना? हीट कितना जनरेट हुआ होगा? हीट जनरेट हुआ होगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर. और ये यहीं तक जनरेट हुआ होगा, उसके बाद जब ये चल रहा है तो हीट जनरेट नहीं हो रहा. तीसरा केस था कि शुरुआत में ही वी नॉट ऐसे दिया, ओमेगा नॉट ऐसे दिया और ऐसी वैल्यूज दे दी, वी नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट इज जीरो, या फिर वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट, तो मैं कहूंगा ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, क्योंकि जो बाद में होना था वो स्टार्टिंग से ही हो रहा है. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्टिंग से ही हो रहा है.